एक सवाल है जो कि सबके पास होते हैं कि चांद और सूरज, सन एंड मून में क्या फर्क है, ऐसा क्या फर्क है इन दोनों में। तो इसी सवाल के साथ मैं ये वीडियो को शुरुआत करता हूँ कि डिफरेंस ऑफ चांद एंड मून एटीसी। सो इसी टाइप का कोई मैं टाइटल भी इस वीडियो का रख दूंगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि मून और चांद में क्या फर्क है। तो देखो, पहले हम जो सोचते थे यार, तो ये जो सबसे पहले हम सूरज की बात करते हैं, सूरज जो है वो दुनिया के आसपास घूमता है। तो वक्त के साथ जब साइंस ने तरक्की की और तरक्की करने के बाद अब पता चलता है कि सूरज हमारे आसपास नहीं घूमता, हम सूरज के आसपास घूमते हैं। मतलब कि हम सूरज में हमारे आसपास नहीं घूमता, हम सूरज के आसपास घूमते। सुनने में हुआ है यह हकीकत, एक सूरज है उसके आसपास हम चक्कर लगाते हैं, और जैसे हम चक्कर लगाए वैसी ही जो अपना चांद है वो भी चक्कर लगाए। तो ऐसे क्या होता है जिससे चांद और सूरज रात गुजारती और रोशनी गुजारती है, और चक्कर अब जो वो चक्कर लगाए ना भाई, ये हम चक्कर लगाए सूरज के आसपास, तो वो उसके बिल्कुल हमारे इसके आगे है थोड़ा, और यहाँ या यहाँ है, यहाँ है, और ये चक्कर लगाए मतलब बिल्कुल हमारे साथ हमारी प्लानिंग के साथ मतलब जुड़ा हुआ है हमारे दुनिया के, वो भी चक्कर लगा है। और ऐसी मतलब जब चक्कर उसके पूरे होते हैं तो ऑटोमेटिक जब देखो ये आया सुबह से चक्कर लगे आराम आराम से, और ये घूम के जब यहाँ आए ना तो दुनिया टकराई, दुनिया से रोशनी आई, यहाँ रोशनी आई और यहाँ अंधेरा हो गया, यहाँ अंधेरा हो गया, यहाँ चाँद नजर आने लग गए, और जब ये घूमा और ये घूम गए यूँ आया तो यहाँ भी रोशनी हो गई, यहाँ चाँद। तो ऐसे ही सिलसिला चलता है, और सुबह रात ये पूरा क्यों कि मतलब सुबह वहाँ से निकलता है और डूबता कहीं होता है, पूरा चक्कर उनका पूरा कंप्लीट हो जाता है एक दिन में, ये चक्कर होता है। अब चांद और सूरज में ये फ़र्क है भाई, सूरज एक बहुत बड़ा प्लेनेट है, प्लेनेट हर हम भी एक किसी एक प्लेनेट में रहते हैं जहाँ इंसान है, और हमारा प्लेनेट पूरी कायनात में पूरी यूनिवर्स में सबसे बेस्ट प्लेनेट है। वजह ये है कि हमारे पास इंसान है, हम आप हैं, क्योंकि किसी और प्लेनेट में नहीं है। सो सूरज और चांद, अब चांद जो है चांद भी हमारे साथ का एक छोटा सा हमसे थोड़ा बड़ा है, वो भी प्लेनेट है, वहाँ ठंडक है, तो वो ठंडा प्लेनेट होता है ना कि चांद अपना सूरज गर्म है, तो चांद थोड़ा ठंडा है, ठंडा प्लेनेट है, तो इसलिए वो थोड़ा जब रात होती है तो थोड़ी मतलब सर्दी या मौसम अच्छा हो जाता है, तो ये चीज़ है। और वैसे सूरज थोड़ा गर्म प्लेनेट है, प्लेनेट क्या है वो तो जलता हुआ एक आग है जो ऑटोमेटिक जल रहा है, बिना किसी आग लगाए वो जल रहा है, तो ये चीज़ है। तो इसी के साथ मेरे ख्याल कि छोटा सा डाउट था कि चांद और सूरज में क्या फ़र्क है, तो ये चीज़ है कि चांद एक प्लेनेट है, सूरज भी एक प्लेनेट है, हम सन के आसपास घूम रहे हैं और चांद भी सन के आसपास घूम रहे हैं, और चांद छोटा है अपना सूरज बड़ा है, तो इसी से एक साथ और फिर उससे छोटा नई दुनिया है। इसके अलावा और भी बहुत से प्लेनेट हैं जो कि सूरज के आसपास घूम रहे हैं, जो कि मैं आगे हो सकता हूँ मैं आपको जुपिटर और इतिसी और भी जितने भी प्लेनेट जो घूम रहे और यूनिवर्स में कितने प्लेनेट हैं, क्या यूनिवर्स है, क्या ये सही है मैं आपको बताऊँगा। सो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।